ऐसी अपील की जिसके बाद सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने यहां कहा कि अगर बीमा भारती नहीं तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव मंजूर नहीं है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर पप्पू यादव ने पलटवार किया है। पप्पू यादव के बयान के बाद सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। या तो एनडीए या तो इंडिया। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आए, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया में सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई है, बयानों के तीर चल रहे हैं। सोमवार को तेजस्वी यादव ने यह कहकर सियासी हलचल मचा दी कि या तो आप बीमा भारती को जिताइए या फिर एनडीए प्रत्याशी को ही चुन लें। तेजस्वी के इस बयान से सियासी खलबली मच गई। अब पप्पू यादव ने मोर्चा खोलते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार वार किया है। पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बताने वाले तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने एनडीए से मिले होने का आरोप लगाया। पप्पू ने कांग्रेस को हराने की बड़ी साजिश का भी दावा किया है। इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी के बयान के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस से अपने फैसले पर विचार की अपील की है। पप्पू यादव ने तेजस्वी से पूछा है कि जब वो इतने साल आरजेडी के साथ रहे तो बीजेपी की बी टीम नहीं थे, आज वो कैसे बीजेपी की बी टीम हो गए। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं तेजस्वी के बयान के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी के बयान के बाद आरजेडी सफाई देती फिर रही है। किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण भी जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। पूर्णिया सीट तेजस्वी और पप्पू यादव की सियासी लड़ाई का बड़ा अखाड़ा बन गई है। ये लड़ाई दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है। सियासी युद्ध के मैदान में सब कुछ दांव पर लग गया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा की। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी भी मौजूद रहे। जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में वोट की अपील की। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही तारिक अनवर की जीत निश्चित होने का दावा किया। आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट जो है तारिक साहब को पंजे के निशान पर, हाथ के निशान पर वोट दे करके विजय बनाने का काम करें। मोदी जी जो है झूठ बोलने के फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है और होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ये सच्चाई है। अब इसी को हम लोगों को पकड़ के रखना है। सम्राट चौधरी के खिलाफ रोहिणी आचार्य के बयान पर बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का कल्चर यही है।
है, इन लोग ऐसी भाषा करने के आदि हो गए, जनता देख ही रही है सब। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा व्यक्तिगत हो के, बहरहाल सब जनता देख रही है भाई। अब वो स्वयं महिला है, अब उनके बारे में हम क्या ही बोले। अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो उनके बारे में हम क्या ही बोले।